भाई साहब, आज रात 12 बजे हमारी गेम के अंदर कौन सा नया इवेंट आ रहा है वो मैं आपको जा रहा हूँ बताने। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने गिव अवे का रूल तो वही रखा है लेकिन चेंज करने वाला हूँ। भाई साहब, कमेंट में रेडीम कोड की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओ और रेडीम कोड जल्दी से ले लो। अभी की अभी जाओ, रेडीम कोड की लिंक कमेंट बॉक्स में है। यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ कि गिव अवे ना अब दो टाइप में होगा, एक तो जैसा हो रहा है वैसा होगा और उसी के साथ साथ में एक टीम कोड गिव अवे होगा, मतलब एक वीडियो में 6 लोगों को रेडीम कोड मिलेगा। तो देखो, जो चल रहा है उस तरीके से आप लोग को पता ही होगा, लेकिन एक नया टीम कोड वाला होगा, टीम कोड जो पहले होता था, जैसे मैं टीम कोड देता था और टीम कोड के थ्रू आप लोग आते थे, उस तरीके से होगा। लेकिन ये टीम कोड के अंदर ना एक और चीज मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। आप लोग को याद होगा तो मैं बता दूं, जो टीम कोड गिव अवे है वो मैंने बंद इसके लिए किया था क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अपने फ्रेंड को ही इन्वाइट करते थे या जो भी आता था मेरे ग्रुप में एक दूसरे को फ्रेंड बनाते थे और इन्वाइट करते थे। लेकिन अब ये जो सिस्टम है, ये कोई दूसरे को इन्वाइट नहीं कर सकते। वो क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा कल या परसों तक, ठीक है? तो यहाँ पे समझ लो कल परसों से एक दिन में 6-6 लोग को रेडीम कोड, मतलब यार अब तो आप लोग को मजा आने वाली है। मतलब यहाँ पे दिन भर में 3 या 4 वीडियो आती है तो अब आप लोग दबा के यार रेडीम कोड बना सकते हो, मतलब मेरे थ्रू ले सकते हो। और वैसे भी यूट्यूब पे आपको कौन देता है डेली? कोई नहीं देता है, सब खाली आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो चलो यहाँ पे हम बात करते हैं कि आज रात 12 बजे क्या आएगा। तो लेकिन अभी आप नए हो तो आप पूछोगे, यार मैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मुझे कैसे गूगल प्ले का रेडीम कोड मिलेगा? तो भाई यहाँ पे आपको बता दो, गूगल प्ले का जो रेडीम कोड है ना, उसके लिए आपको जाना है कमेंट में, एक लिंक मिलेगा हाउ टू पार्टिसिपेट का, उस पर क्लिक करके देख लेना है कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या रूल है, कैसे आप जीत सकते हो, सब कुछ मैंने समझा दिया उसके अंदर। और जो टीम कोड गिव अवे है वो 2 से 3 दिन के अंदर मैं नया पैटर्न में स्टार्ट करने वाला हूं, जिससे आप लोग को 6-6 रेडीम कोड मिलेगा, ठीक है? तो चलो यहां पे अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट टॉप अप इवेंट। देखो यार, ये तो मैंने कल ही बता दिया था, लेकिन आज के टू नाइट अपडेट के अंदर क्या टॉप अप इवेंट के साथ कोई दूसरा इवेंट भी आएगा? तो यहां पे पहली बात तो आपको बता देता हूं, नेक्स्ट टॉप अप इवेंट तो यहां पे चेंज हुआ है कि नहीं हमारे इंडियन सर्वर के लिए, वो कंफर्म हो गया है। तो जो आप ये टॉप अप इवेंट देख रहे हो, ये सिंथ की स्किन और ये जो बैकपैक वाला है, ये दोनों इंडियन सर्वर के लिए अब 100% कंफर्म हो गया है। मतलब रात को 12 बजे आपको यही टॉप अप इवेंट देखने मिलने वाला है। और भाई यहां पे जो भी आपको भाई अपडेट बताता है वो कंफर्मेशन के साथ ही बताता है, क्योंकि फ्री फायर जो बताएगा उसके बाद ही आपको मैं यहां पर कंफर्मेशन के साथ ही बताता हूं कि यही आने वाला है, वरना भाई हवे में बात करके निकलता नहीं हूं। मुझे सिर्फ व्यूज लेने का काम नहीं करना है, मुझे जेन्यून अपडेट आप लोग को देना रहता है, तो मैं आप लोग को अपडेट जेन्यून दे के जाता हूँ और इसी तरीके से मैं अपना जो काम है करते रहूंगा। तो अगर आपको डेली अपडेट जानना है फ्री फायर के बारे में तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, क्योंकि जो भी फ्री फायर की अपडेट्स या प्रॉब्लम या कुछ भी होता है वो आपका भाई सबसे पहले जेन्यून तरीके से वीडियो बना के बताता है। तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो यार, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। मैं चाहता हूँ जो भी गेम खेलते हैं उनको मेरी तरफ से हेल्प मिलते रहे। और बात करते हैं अभी नेक्स्ट इवेंट, क्या कोई नया इवेंट आ रहा है कल दिन? तो भाई आज रात 12 बजे सिर्फ एक ही इवेंट आ रहा है, वो नेक्स्ट टॉप अप इवेंट। लेकिन अभी एक दिमाग में आपके क्वेश्चन घूम रहा है कि यार ये कुछ महीनों से हम देख रहे हैं, मतलब कुछ नहीं एक महीने से हम देख रहे हैं, अब डेली इवेंट नहीं आता है, अब डिले करता है फ्री फायर, वरना डेली ऐसा होता था कुछ ना कुछ हमारे गेम के अंदर इवेंट आता था। लेकिन अब ऐसा क्यों कर रहा है फ्री फायर कि कोई भी इवेंट डेली नहीं दे रहा है, 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन के बाद कुछ ना कुछ आता है तभी हमको देखने मिलता है। जैसे टॉप अप इवेंट बदलने गया तो हमको इवेंट देखने मिला, वरना भाई 3-4 दिन के लिए तो एकदम खाली रहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो इसका जो रीजन है ना वो सिंपल है, क्योंकि भाई साहब देख लो आपने, फ्री फायर जो इंडिया के अंदर था वो बुइया ऐप भी बंद कर दिया, मतलब फ्री फायर के अंदर बुइया नहीं चलता है, और जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट थी वो बंद हो गया, कोडा शॉप था इंडिया का वो भी बंद हो गया। तो भाई यहाँ पे बंद क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सर्वर कॉस्टिंग जा रहा था फ्री फायर को, जो अपना कॉस्टिंग है वो कम कर रहा था, और फ्री फायर जो इंडियन सर्वर में है वो जो संभालते हैं उनमें से भी भाई साहब कुछ लोगों को निकाल दिया था काम में से, अब इतना वो अपना लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ जो एम्प्लॉई है उनको निकाला है, ये साइट बंद किया, वो बंद किया, ऐप बंद किया, तो ये सब कर इसके लिए रहा है कि भाई उसको लॉस ना हो। तो अब यहाँ पे अगर डेली इवेंट लाल आके आपको देगा, और इवेंट जो भी आजकल आ रहे हैं इंडियन सर्वर में नहीं चल रहे, अभी सबसे बड़ा प्रूफ आपको बता दूं, यहाँ पे डेविल मे क्राई का बड़ा इवेंट होने वाला था, जिस तरीके से कैलेंडर आया है ना, जैसे हमारा ये मेक ओवर का, इसी तरीके से डेविल मे क्राई का भी इंडिया के लिए बनाया गया था, लेकिन वो फ्री फायर ने एंड टाइम पे चेंज कर दिया, नहीं लाया, क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो इवेंट है ये एक ही इवेंट में सब रिवॉर्ड दे देते हैं। अगर आप अदर सर्वर में देखोगे ना भाई, मैं ये चीज़ के लिए सैल्यूट करूंगा इंडियन सर्वर वाले लोगों को कि यहाँ पे भाई ये टाइम जो इंडियन सर्वर के लिए काम किया है ना ये इवेंट को लेके, भाई पूरा इवेंट का जो भी रिवॉर्ड था, जो भी आइटम था, पूरा एक ही इवेंट में डाल दिया है, और इससे सस्ता, इससे अच्छा इवेंट मुझे अभी तक नहीं मिला है।
क्योंकि भाई जो भी आप चाहे आप बाइक की स्किन देखो चाहे गन या इमोट सब मतलब टुकड़ों में लेके आता था। खास करके यार ये जो लुक चेंजर है ये तो ज्यादा चांसेस थे कि यहाँ पे हमको टोकन टावर में देखने मिलता, ये बाइक की स्किन आप लोग को देखने मिलता टॉप अप इवेंट में, या ये जो एनिमेशन है ये जो प्रोफाइल एनिमेशन ये ज्यादातर आप लोग को देखने मिलता है फेडेड व्हील में। तो ये जो गन की स्किन है ये गन की भी स्किन का कोई एक अलग इवेंट आता उसके अंदर लूट के जाता और ये फेडेड व्हील में ढकेल देता और ये जो इमोट है ये टॉप अप इवेंट में डाल देता। मतलब समझ रहे हो यहाँ पे लूट रहा था पहले, अब यहाँ पे लूटना कम कर दिया है। तो भाई इसने क्या सोचा है कि भाई अब हम इंडिया से ज्यादा कमा नहीं पा रहे हैं तो काम करते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट किया इसने कि पूरा जो रिवॉर्ड था इवेंट का एक ही इवेंट में डाल के दे दिया। अब ये देखा कि भाई इसके अंदर क्या पब्लिक पैसे लगाएगी। लेकिन आपको हकीकत बताऊं डीएमसी रिंग इवेंट भी भाई साहब फ्लॉप निकला, मतलब फ्री फायर को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, बहुत कम, मतलब बहुत कम भी बोलो या भाई साहब हुआ ही नहीं, लॉस में गया। क्योंकि भाई ये सब जो बनता है ना ये सब भाई पैसे लगते हैं, अच्छे खासे डिजाइनिंग जो भी करते हैं ना उनको देना पड़ता है फ्री फायर को। लेकिन इंडियन सर्वर से जो हर इवेंट का जो पैसा बनता था वो भाई डीएमसी का नहीं बन पाया। और डीएमसी एक बोल सकते हो वेब सीरीज है डेविल मे क्राय, उसको भाई साहब ब्रांड को पैसे देने ये सब भाई मैं टुनाइट अपडेट बना रहा था लेकिन आपको ये पूरा स्टोरी बताते बैठ गया। तो चलो यहाँ पे स्टोरी हम खत्म करते हैं। वैसे आपको कुछ इस तरीके के जो इन डिटेल होती है जो फ्री फायर के अंदर की बातें होती है अगर आपको सुनना है तो बताओ नीचे कमेंट करके कि आपको फ्री फायर की स्टोरी जानना है जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया, वरना बहुत लंबी वीडियो बन रही इसके लिए मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ ना और डिटेल बताता। तो यहाँ पे बस यही बोलूंगा फ्री फायर के अपडेट्स आपको जानना है डेली अप टू डेट रहना है तो भाई मेरे साथ जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो और भाई वीडियो को शेयर कर दोगे तो दिल से अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।